नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने मैथ्स चैनल DRS मैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है, डिविजिबिलिटी भी कुछ डिस्कस कर ली है। अब आज हम नंबर सिस्टम का ये 9th लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने चल रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स का, प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होगा, कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। अब जैसे देखिए कि प्राकृतिक संख्याएं मान लीजिए आपको दी गई हैं 1 से लेकर 60 तक, और आपसे बोला गया कि इन सब का योगफल आप बताइए। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल निकालने का फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ सीरीज, श्रेणी का योग। ये इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कुल कितने नंबर हैं, पदों की संख्या वो लिखो, उसको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, पहला और आखिरी नंबर को ऐड करो, नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ो, पदों की संख्या से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। जैसे यहां पे निकालना है SN का मतलब सम ऑफ N टर्म्स, जैसे 60, तो 1 से लेकर 60 तक तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, जहां जो लास्ट नंबर होगा उतने ही पद होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स सेम होगा। तो S60 इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स 60 हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 1, लास्ट टर्म हो गया 60, और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 2 3 जा, तो आपका आंसर हो गया 30 × 61, दैट इज 0, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, द सम इज 1830। अब जैसे यदि दिया 1 से लेके 100 तक सभी नंबर्स को ऐड करो, तो आप क्या लिखोगे, S100 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितना हो गया 100, पहला नंबर 1, लास्ट नंबर 100, डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 5 जा, योर आंसर विल बी 50 × 101, दैट इज द आंसर इज 50 50। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक अगर नंबर्स को ऐड करना है, क्या 1 + 2 + 3 up to 10 अक्सर पूछता है, तो आप क्या करोगे, S10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ 10, पहला नंबर 1, लास्ट नंबर 10, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, 2 5 जा 10 1 11 5 जा 55, तो आंसर आपको इस टाइप से मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे एक ये क्वेश्चन दे दिया कि द सम ऑफ द नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 21 एंड एंड्स एट 75, 21 से शुरू होकर 75 पर 75 पर एंड हो रहा है, इसका आपको सम निकालना है। तो देखिए, फॉर्मूला तो वही है सम निकालने का, लेकिन आप नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, तो देखो इसके लिए दो तरीका है सॉल्व करने का। पहला तरीका हम क्या करेंगे कि हम ये देखो 21 से स्टार्ट हुआ, 21 से स्टार्ट हुआ, तो हम 1 2 3 up to 75 तक टोटल नंबर ऐड कर लें, ये टोटल, उसमें से 21 के पहले क्या आएगा 20, इसमें से 1 + 2 up to 20 कहां तक 20 तक, 1 से 75 यानी 1 से लेकर 75 तक टोटल निकाल लें, उसमें से 1 से लेकर 21 तक माइनस कर दें, तो हमको 21 से 75 मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, S75 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म 75 हुआ, पहला नंबर 1 प्लस 75 हुआ, डिवाइडेड बाय 2 हुआ, ये होगा 76। ठीक है, अब जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 2 8 जा 16, कैंसिल होगा, आपको आंसर मिलेगा 75 × 38। माइनस 1 से लेके 20 तक करना है, तो 20 × 1 + 20/2 करेंगे, 2 10 जा, ये 21 × 10, ये वैल्यू आ जाएगा 210। इसको मल्टीप्लाई करिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2850 आएगा, इसमें से 210 माइनस करना है, ये हो गया 0462, तो आंसर हो गया 2640। देखिए, अब एक ये तरीका है जिसमें हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो निकालते हैं हम पदों की संख्या, वो इज इक्वल टू होगा लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, यानी कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे समान अंतर, जो भी आएगा उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा पदों की संख्या, बस ये मिल जाएगा, तो फॉर्मूला सम निकालने का वही है। अब आप यहां से देखिए, लास्ट नंबर क्या है 75, माइनस फर्स्ट नंबर क्या है 21, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कोई भी दो पदों के बीच में जो अंतर है, तो दो पदों के बीच का अंतर यहां पर है सिर्फ एक, तो 75 − 21/1 + 1, ये हो जाएगा पदों की संख्या। अब आप माइनस करके देखो तो 1 से डिवाइड करने पर मान वही आएगा, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2
कितना आ जाएगा 5, ये कितना हुआ 54, और जैसे ही आपने प्लस 1 किया तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया 55, ठीक है। अब आप निकालिए सम, तो हम लिखेंगे S55 इज इक्वल टू पदों की संख्या इन ब्रैकेट पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर यानी कि 75 प्लस 21 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा 55 और ये ब्रैकेट में वैल्यू कितना हो जाएगा 70 20 90 6 96 96 होगा, तो इनटू 96 एंड डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ये वैल्यू। और फिर जब आप इसको करेंगे 248 जा 48 इंटू 55 करेंगे फिर से वही 2640 द सेम आंसर यू विल गेट, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप इनको निकाल सकते हैं, ये इसलिए कि इससे आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कुछ और क्वेश्चन, अब जैसे आपको इन पदों का योगफल निकालना है, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 90 इनका सम निकालना है। तो आप एक चीज जान लो कि कोई भी जब हम नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं लिखते हैं जैसे 1, 2, 3 ऐसे लेकर के 90 तक हमने लिखा, तो इसमें जितनी सम संख्याएं हैं उतनी ही विषम संख्याएं भी होंगी। अगर आखिरी पहला नंबर विषम संख्या और आखिरी नंबर सम संख्या है तो जितनी सम संख्याएं हैं उतनी ही विषम संख्याएं भी होंगी, मतलब बराबर बराबर होंगी। यानी कि अगर आप 90 को 2 से डिवाइड करो तो 45 सम और 45 विषम संख्याएं होंगी। तो इस कंडीशन में तो हम डायरेक्टली जान जाते हैं कि 2 से लेकर 90 तक है, तो 90 का अगर हाफ करेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग से स्टार्ट है सम संख्याएं, तो हम डायरेक्टली जान जाएंगे कि इसमें कुल 45 सम संख्याएं हैं, और डायरेक्टली लिखेंगे S45 इज इक्वल टू 45 और ब्रैकेट में पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा 45 गुणे ये 90 2 92 बटा 2, तो 2 चौको 8 2 छंग 12 46 इंटू 45 हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई करते ये वैल्यू आपको 2070 ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये मान नहीं पता है, फिर तो आपको पदों की संख्या जो n है वो निकालना पड़ेगा। तो पदों की संख्या के लिए हमने क्या बोला, लास्ट नंबर यानी कि 90 माइनस फर्स्ट नंबर यानी कि 2, इसको डिवाइड करो कॉमन डिफरेंस है, तो दो नंबरों के बीच का जो गैप है ये 2 और 4 के बीच का गैप 2 है, 6 8 के बीच का गैप 2 है, यानी कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, जो भी वैल्यू आएगी उसमें प्लस 1 कर देंगे, तो ये आंसर आएगा 88/2+1 जो कि आएगा 44+1 यानी कि 45। और जैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स 45 मिला फिर आप 45 टर्म्स का 45 टर्म्स का सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब जैसे देख लीजिए ये विषम पद है जो 23 से स्टार्ट हो रहा 71 तक जा रहा, तो एक तो तरीका हमने आपको बोला कि आप 1 to 71 का टोटल सम निकालिए, उसमें से 1 to 22 का जो सम है वो माइनस कर दीजिए, आपको ये 23 से 71 के बीच का सम आपको मिल जाएगा, ठीक, जो नंबर्स के गैप का बीच का है। अगर ये डबल डबल नंबर्स के गैप का है जैसे 1357 करके 71 तक का और 1357 करते हुए 22 तक का निकालिए। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अब आप क्या करो कि आप इसमें पहले देखो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो तरीका क्या है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इसको डिवाइड कर दो, दो टर्म्स के बीच का जो भी गैप है, जो अंतर है, कितने कितने का अंतर है, दो दो का अंतर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 कर देंगे। अब आप देखिए 11 में से 3 गया 8, यहां बचेगा 6 में से 2 गया 4, 2 से डिवाइड करना प्लस 1 करना है, तो 48 का आधा हो गया 24+1 यानी कि आ गया 25। अब आपको ये 25 पदों का योगफल निकालना है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स 25, पहला नंबर 23 प्लस लास्ट नंबर 71 और इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 25 × 70 20 90 4 94 94/2 ये आ जाएगा 27, तो 25 6 150 25 7 175 का 5 17 25 2 50 10 60 7 67 675 योर आंसर इज 675 सॉरी ये इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 चौको 8 1 14 2 7 14 47 आएगा, तो 25 × 47 होगा, तो वही होगा 25 7 जा 175, ठीक है, आपका कितना लग गया 17 25 100 + 17 117 तो 1175 टोटल सम कितना हो गया 1175। तो इस तरह से आप किसी भी सीरीज में किसी भी नंबर का सम निकालना होगा तो आप निकाल लेंगे, गैप 2 का है 3 का है 4 का है किसी का भी है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि फाइंड द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 टू 500 डिविजिबल बाई 3,
100 से 500 के बीच में तीन से डिवाइड होने वाले नंबर्स का सम आप बताओ। तो भैया आप इसके लिए जब भी ऐसा पूछेगा तो आपको पहले क्या पता करना है, वो पहला नंबर कौन सा है जो तीन से डिवाइड होगा और 100 से बड़ा हो। तो सबसे पहला काम आप करो, 100 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3 3 9, 10 3 3 9, एक बच रहा है, यानी दो और होता तो 3 से डिवाइड हो जाता, यानी कि पहला नंबर है 102 जो 3 से डिवाइड होगा। 100 के बाद पहला नंबर है 102 जो 3 से डिवाइड होगा, ठीक। अप टू 100 टोटल 33 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। चलो 500 पर आते हैं, आप 500 को 3 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 3 1 3 2 20 3 6 18 2 20 3 6 18, दो बच गया, ठीक है। तो अब यहां पर दो बच गया, 3 से डिवाइड होने के लिए एक और एक्स्ट्रा चाहिए, और जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा करोगे 500 से आगे निकल जाओगे। तो हमें क्या करना है कि ये दो हटा दें, 500 में से अगर हम दो हटा देंगे तो 498 आ जाएगा, इसके बाद आएगा 500। तो 500 से पहले और 100 के बाद में तो पहला नंबर है 102 और लास्ट नंबर है 498, जो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं। तो 102 होगा, फिर 3 ऐड करोगे तो 105 होगा, फिर 108 होगा, ऐसा करके सीरीज होगा। इस सीरीज का सम आपको निकालना है, इनका पूछने का ये मतलब था, ठीक। अब आप देखिए अप टू 500 166 नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं, अप टू 100 33 नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो 100 से 500 के बीच में कितने होंगे, बिल्कुल सही, 166 में से 33 आप माइनस कर दो, आपको मिलेगा 3 3 1, 133 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड होंगे। आपको अगर चेक करना है तो चलो इधर भी चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे निकालते हो, हाँ कैसे, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई जो गैप है, तो गैप 3 का है, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स होगा। माइनस करो, 8 में से 2 गया 6, 9 पूरा पूरा होगा, और ये 396 बाई 3 आप करोगे, आपको मिलेगा 3 1 3 3 3 9 3 2 6, आपको टोटल नंबर कितना मिल गया, 132, ठीक है। 132 प्लस 1 कितना हो गया, 133। फॉर्मूला यही होता है कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस 1। तो 133 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, और जब एक बार आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया तो सम आप निकाल सकते हो, सम ऑफ 133 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स क्या हुआ, 133 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर दोनों को जोड़ दो, तो 400 एक 500 और इसको जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 300, और ये मान हो जाएगा 00 एज इट इज हो गया, 3 3 9 3 3 9 3 1 3, 39,900 आपका आंसर हो गया। अरे भाई फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो ये 400 और एक 500, 98 प्लस 2 फिर 100, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 600 हो गया, सम 600 हो गया इनटू नंबर ऑफ टर्म्स 133 बाई 2 कर दिया, तो आपका देखो आंसर आ गया। अब जैसे देखिए नेक्स्ट आता है स्क्वायर्स का सम हो, अगर n नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू शो ऑन n स्क्वायर तक है, तो जो n है n इंटू एन प्लस 1 एक ज्यादा इंटू 2n प्लस 1 एंड टोटल डिवाइडेड बाई 6, ये होता है स्क्वायर्स का सम। जैसे मान लो 1 से लेके 70 तक नंबर्स का स्क्वायर निकालना है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 70, तो n की जगह पे 70 रख दीजिए तो क्या होगा, 70 इंटू एन प्लस 1 मतलब 71 इंटू 2n प्लस 1, 70 का डबल 140 प्लस 1 यानी कि 141 एंड दैट इज डिवाइडेड बाई 6। फिर क्या होगा, 2 3 6 2 35 में, फिर 3 4 12 2 21 3 7 21, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 35 इंटू 71 इंटू 47, और इसी को आप मल्टीप्लाई करिए यही आंसर। और आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हो 35 गुणे 71 ये आता है 2485, फिर इंटू 47 करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है आपको 1,16,795। ये एक तरीका है इस तरह से जब स्क्वायर्स के क्वेश्चंस आएंगे। अब इन पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अब जैसे इसमें दे दिया आपको कि 20 स्क्वायर से लेकर के 40 स्क्वायर तक का सम निकालना है, तो भैया हमारा जो फॉर्मूला है वो 1 टू n है, तो अब यहां पे क्या करेंगे, तो यहां के लिए आपको क्या करना है,
वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस अप टू शो ऑन लास्ट नंबर तक, यानी कि 40 स्क्वायर्स तक का सम निकालो, उसमें से माइनस 20 के पहले तक का, यानी कि वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस अप टू शो ऑन प्लस 19 स्क्वायर तक को माइनस कर दो। अब आप ये वैल्यू देखिए, यहां पर क्या होगा फॉर्मूला, एन एन प्लस वन, एन है 40, एन प्लस वन 41 इंटू 2n, यानी कि 40 का डबल कितना हो जाएगा 80, 81 डिवाइडेड बाई 6। माइनस यहां पर करेंगे तो क्या होगा, 19 गुड़े 20 गुड़े 19 दुना 38 39 बाई 6, ये आ गई वैल्यू। तो भैया देखो 1/6 आप चाहो सिंपलीफाई करो या फिर 1/6 आप कॉमन लेकर के फिर मल्टीप्लाई करके चलो। दो से करेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 20 = 40। तीन से करना है तो 3 × 2 = 6 और 3 × 7 = 21, ये हो गया। फिर यहां से 2 × 6 = 2 × 10 = 20 और 3 × 13 = 13। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 × 2 = 82, 820 गुड़े 27 माइनस यहां पर हो जाएगा 190 गुड़े 13। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब आप यहां से माइनस कर लो, ये जीरो हो गया, 14 × 14 = 7 = 7, यहां बच जाएगा जीरो, फिर 10 × 10 = 4 = 6, फिर यहां पर बचेगा एक, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा 11, 11 - 2 = 9, 1, 19670। आपका आंसर कितना हो गया 19670। अब इसका एक स्पेशल कंडीशन देख लीजिए कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर का अगर निकाल रहे हैं तो 2 से लेकर n तक होना चाहिए, या फिर अगर ऑड नंबर्स का है तो 1 से लेकर n तक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आइदर ऑफ इवन नंबर्स और ऑफ ऑड नंबर्स ये इज इक्वल टू होता है n n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6, ये होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखो आप 2² + 4² up to 20² तो 2 से लेकर 20 तक का इवन नंबर्स के सम का स्क्वायर्स का सम है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली 20, फिर अगला 20 + 1 = 20 + 2/6 डिवाइड करिए तो 2 × 6 = 2 × 20 = 3 × 7 = 21 × 2 = 154, तो ये वैल्यू आ गया 1540, ठीक है। और ऐसे ही अगर ऑड नंबर हुआ तो अब ये देख लीजिए, ऑड नंबर्स हैं 1 से लेके 21 तक का, तो अब आप इनके लिए क्या करोगे, ये जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंगली हम यहां से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो लास्ट नंबर क्या है 21, तो आप लिखो 21 × 22 × 23, एक एक नंबर करके बढ़ा करके है, डिवाइडेड बाई 6 कर दो। फिर क्या करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 11 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 7 = 11, 7 × 77 = 23, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपको मिल जाता है 1771, इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। और एक चीज देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि 22 से स्क्वायर कहां से स्टार्ट है, 22 से लेके 40 स्क्वायर तक, ये सम निकालना है। तो भैया आपको क्या करना है, ये इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम है, तो इवन नंबर्स का 2 से लेके n तक पहले लिखो, यानी कि 2² + 4² + 6² up to show on कहां तक 40 स्क्वायर तक का सम लिखो, माइनस 22 से पहले कौन सा इवन आता है 20, तो अब आप क्या करो 2 से 20 तक माइनस कर दो, 2² + 4² up to show on + 20² इसको आप माइनस करो, तो इस सम में से इस सम को आप माइनस करो, फॉर्मूला वही लगेगा n n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, इधर भी वही लगेगा n n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, ये वैल्यू होगी 40, 41, 42 बाई 6, माइनस इधर होगा 20, 21, 22 बाई 6, कैलकुलेट करके माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हुआ। एंड सेम अगर इसी तरह से माइनस में, मतलब सॉरी माइनस बोल रहा हूं, ऑड नंबर्स का अगर आता है, विषम संख्याओं का आता है, तो उनका भी इसी तरह से करना है। बस ऑड नंबर्स के लिए क्या करेंगे, 1 से लेकर के उस ना लास्ट नंबर तक का स्क्वायर्स का सम माइनस 1 से लेकर लास्ट के ठीक पहले वाले विषम संख्या के स्क्वायर्स तक का सम, वो माइनस करके सिंप्लीफाई कर दो। क्यूब का मतलब हुआ इस तरह से, अगर नंबर्स का सम हो कि 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + n³, तो इसका जो टोटल सम है n × n+1/2 जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर आपने करना है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स का सम है, तो n 10 है, तो मैं क्या लिखूंगा 10 × 10+1 यानी कि 11, उसको डिवाइड करो 2 से, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर होगा। तो 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55, 55 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25 = 36,
आंसर आ गया 3025। ठीक है, तो ये क्यूब्स का सम हुआ। अच्छा, अब आपको सीरीज हो सकता है ऐसे ना लिखी हो, आपको जैसे क्यूब का सीरीज इस तरह से लिखी हो, 1 + 8 + 27 + 64 + 125 + 216, इस टाइप से करके लिखी हो और लास्ट में लिखा हो +1000। तो आपको ये याद होना चाहिए, इसीलिए हमने आपको बोला है क्लास में कि आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद होने चाहिए सारे नंबर्स के। आप जैसे ही इसको देखोगे आपको तुरंत समझ में आएगा कि भाई ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, अप टू शो ऑन इट इज 10 क्यूब। तो हमें 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक का टोटल सम निकाल देना है। ठीक है, सेम पैटर्न इधर भी लागू होगा, 11 क्यूब से लेकर 20 क्यूब तक का आपको वैल्यू निकालनी है। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, 1 क्यूब + 2 क्यूब अप टू शो ऑन कहां तक, 20 क्यूब तक की वैल्यू निकालोगे, माइनस 11 से पहले तक का, यानी कि 1 क्यूब + 2 क्यूब अप टू शो ऑन कहां तक, 10 क्यूब तक माइनस कर दोगे, तो 11 से 20 क्यूब तक की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब यहां पर 20 है तो आप लिखेंगे 20 × 21 / 2, इसका स्क्वायर होगा, माइनस यहां पर वैल्यू होगी 10 × 11 / 2 और इसका स्क्वायर होगा। आप सॉल्व करिए, 2 10 जा, यहां पर 2 5 जा, तो 21 10 जा क्या आ गया, 210 का स्क्वायर, और यहां पर 11 5 जा 55 का स्क्वायर। सीधा सीधा तरीका है, आप या तो 210 का स्क्वायर करो तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 0 का स्क्वायर 00 और 55 का स्क्वायर अभी मैंने बोला 3025, आप इसको माइनस कर दो। यहां से ये 00 से 25 माइनस करेंगे तो 75 आएगा, 1 होगा नहीं, 0 - 0 = 0 हो जाएगा, और फिर यहां पे क्या बचेगा, 4, और 4 - 3 आप करोगे 1 आ जाएगा, 41075 ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी था कि आप जानते हैं a² - b² = होता है a + b × a - b, आप ये भी कर सकते, एक बार दोनों को ऐड कर देते, एक बार माइनस कर देते, जो आता मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो ये था ये स्क्वायर्स का, क्यूब्स का और इनका सम निकालने का। ठीक है, तो नंबर सिस्टम्स में जो भी सम के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर्स का जो भी क्वेश्चन आएगा, उसको अब आप कर पाएंगे। ठीक है, यूट्यूब में आपको DRS मैथ सर्च करना है, जैसे ही मिलेगा आपको उसका प्रोफाइल पिक्चर टच करना है, टच करते ही प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें आप टच करेंगे, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन वीडियोस आपको मिल जाएंगे, खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।